31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के मौके पर मोदी समर्थक मेन स्ट्रीम मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मीडिया पोर्टल्स पर एक चौंकाने वाली चीज दिखाई दी, जिस पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने सवाल उठाया है। दरअसल देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मतिथि के दिन उनको बीजेपी की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से श्रद्धांजलि तो चारों तरफ दी गई, लेकिन बीजेपी के मीडिया पोर्टल्स के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज चैनलों पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो की कमी सी दिखाई दी। अब देखें तो सारा दिन टीवी पर यह चलता रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि पर उनको पुष्प अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि दी। तस्वीरों में आपने देखा पीएम मोदी कहीं पुष्प अर्पित कर रहे हैं, कहीं उनको प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कहीं आते हुए, लेकिन इन तस्वीरों में सरदार वल्लभ भाई पटेल शायद ही दिखाई दे रहे हो। लेकिन पीएम मोदी की तस्वीर की छपास की ये आत्ममुग्धता की तो हद तब हो गई जब देश के सबसे जाने माने दूरदर्शन न्यूज चैनल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी की तस्वीर चिपका दी। डीडी न्यूज का ये स्क्रीनशॉट आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लिखा है साफ शब्द में, ट्रिब्यूट टू आयरन मैन ऑफ इंडिया, त्रिशक्ति ऑफ नेशन प्रोग्रेस, लेकिन तस्वीर छपी है नरेंद्र मोदी की। इससे आप क्या सोचेंगे, क्या यहाँ पर आयरन मैन को श्रद्धांजलि दी जा रही है या फिर पीएम मोदी का प्रचार हो रहा है? लेकिन यहाँ इस तस्वीर को छापने का डीडी न्यूज का जो एंगल है वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने आयरन मैन को सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी, इसलिए इनकी फोटो लगा दी गई। खैर, तस्वीर छपास की इस आत्ममुग्धता पर तमाम लोगों ने सवाल उठाया है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी पूछा है, कम से कम प्रधानमंत्री को ही कहना था कि मेरी फोटो जहां नहीं होना चाहिए वहां भी है, हर जगह है, कम से कम यहाँ सरदार पटेल का ही तो होना ही चाहिए था, क्या हो जाता अगर इसमें सरदार पटेल का फोटो होता तो। वहीं स्वाति चतुर्वेदी ने इस तस्वीर पर तंज करते हुए कहा, सरदार पटेल क्यों और कब से पीएम मोदी की तरह दिखने लगे? पवन यादव कहते हैं, जब मोदी जी ने सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया तो फिर ये फोटो तो क्या ही चीज है। बताइए, इतना सम्मान किसी प्रधानमंत्री ने कभी दिया था पटेल जी को कि उनका नाम किसी इमारत से हटा दिया हो और उनकी तस्वीरों की जगह चिपक गए हो। मोदी जी अगली बार प्रधानमंत्री बन गए तो इतिहास के पन्नों में भी सिर्फ उन्हीं की फोटो मिलेगी। पराग शुक्ला कहते हैं, थैंक यू मोदी जी, ये हर व्यक्ति का क्लोन बनकर खड़े हो जाते हैं, ये पटेल साहब से जलते हैं तभी क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल कर अपने नाम पर रख लिया। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।